हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूले एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड तो आज का ये जो वीडियो है मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ रिलीज हो चुके हैं हाँ बिल्कुल सही सुना आपने सभी बच्चे डाउट में थे कि फॉर्म रिलीज कब होंगे कैसे होंगे और एक जो है एडमिशन का नोटिफिकेशन कई जगह सर्कुलेट भी हो रहा था एडमिशन ओपन एडमिशन ओपन का कई दिनों से लेकिन यूजुअली हमें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे फॉर्म आउट हुए हैं कि नहीं वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे वेबसाइट पर जब हम आते हैं और जैसे ही वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ ये ओपन हो रहा है कि एडमिशन ओपन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव टू थाउजेंड ट्वेंटी युगांडा कैंपस के लिए और कुछ ये पर्टिकुलर यहाँ के लिए बट uh, और कुछ यहाँ पे शो नहीं हो रहा है बट वो ये रहा है कि यहाँ पे आप जैसे ही एडमिशन ओपन का ये खोलते हो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं एडमिशन ओपन वाले पे तो ये इस तरीके से आपका पोर्टल ओपन हो गया ठीक है अब अब करना क्या यहाँ पे आपने लिंक पे जब क्लिक करोगे ना और यहाँ पूरा रजिस्ट्रेशन करोगे मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके बता रही हूँ कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे ना तो कोर्सेस ओपन हो जाएंगे सबसे पहले हम यहाँ पर रजिस्टर करेंगे इसके लिए आपको अपना नाम डालना है ईमेल आईडी डालनी है और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है ध्यान रखना ईमेल आईडी जो वर्किंग हो वो डालनी है और मोबाइल नंबर भी जो चालू हो वो डालना फिर कंट्री सिलेक्ट करो उसके बाद में यहाँ डालो सेंड ओटीपी फॉर वेरीफाई ठीक है टू वेरीफाई तो यहाँ पे ओ टी पी आ जाएगा आपके ई मेल पर ऐसे ही मोबाइल नंबर के नीचे भी डालो सेंड ओ टी पी टू वेरीफाई आपके जो ई मेल आई डी आपने डाली है उस पर जो ओ टी पी आया है उसको एंटर कर देना है फिर जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर भी आपको ओटी रिसीव हुआ होगा वो ओटीपी आपको मोबाइल ओ वाले ऑप्शन में डाल देना है और दोनों को वेरीफाई करना है तो ऊपर ग्रीन कलर का टिक आके आपको शो हो जाएगा कि आपके जो ई मेल मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो गया फिर नीचे स्टेट सिलेक्ट करना जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो और आपको एक पासवर्ड डालना है फिर इसके बाद में आई एम नॉट अ रोबोट क्लिक करो और रजिस्टर किया तो यहां कर तो। पे जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा इस तरीके से आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा डैशबोर्ड में देखो आप क्या क्या मेंशन है सबसे पहले

हो इसके बाद में नीचे हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आता है फिर एल एल एम ठीक है एल एल एम एल एल एम साइबर लॉ एंड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एमटेक सिविल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन फॉरेंसिक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ठीक है ये इतने कोर्सेस हो गए ये तीनों ये तीनों देखो गांधीनगर कैंपस और दिल्ली कैंपस में है एलएलएम जो है गांधीनगर कैंपस में है एमटेक जो है वो गांधीनगर कैंपस में है सबकी सेम फीस है 2000 2000 2000 अप्लाई नाव पे आप क्लिक करोगे एक बार हम क्लिक करके देखते हैं क्लिक करोगे यहाँ पे लिखा है ठीक uh, no है अभी मैं आपको बता रही हूँ कैसे अप्लाई करना है आगे हम बताएंगे अभी मैं एक, एक पूरा फॉर्म फिल करके आपको यहाँ पे बताऊंगी अब देखो एम ए क्रिमिनोलॉजी विद स्पेशन इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी ये भी है डेली कैंपस में और गांधीनगर कैंपस में एम ए पुलिस एंड सिक्योरिटी स्टडी गांधीनगर कैंपस में है एम फार्मा फार्मासुटिकल क्वालिटी ये गांधीनगर में है एम फार्मा फॉरेंसिक फार्मेसी धरवाड़ और गांधीनगर कैंपस में है एम फिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी डेली में और गांधीनगर में है एम साइबर सिक्योरिटी भोपाल गांधीनगर गोवा देखो भोपाल में यहाँ पे ऐड हो गया है पहले नहीं था भोपाल गांधीनगर गोवा कैंपस में फिर एमएससी फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी गांधीनगर कैंपस में एमएससी टॉक्सिकोलॉजी भी है यहाँ पे आप देख सकते हो एमएससी टॉक्सिकोलॉजी के लिए भी आप अप्लाई करोगे तो गांधीनगर कैंपस में है एमएससी केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन इन फॉरेंसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री रहेगा गांधीनगर में एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी है डेली और गांधीनगर में एम डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहां पे है डेली गांधीनगर और गोवा तीन जगह ही ये मिल रहा है एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल साइंस जो कि फॉरेंसिक्स में स्पेशलाइजेशन रहेगा धरवाड़ गांधीनगर कैंपस में एमएससी फॉरेंसिक साइकोलॉजी है गांधीनगर में फिर आ जाओ एमएससी फॉरेंसिक साइंस ये जनरल फॉरेंसिक साइंस है कोई इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं है जो जनरली हर जगह मिलता है भोपाल में है डेली में है गांधीनगर गोवा में है ठीक है और इसके बाद में जो है त्रिपुरा में है ठीक इसके बाद में आ जाओ एमएससी होमलैंड सिक्योरिटी तो वो दिल्ली में है गांधीनगर में है एमएससी मल्टीमीडिया फॉरेंसिक्स गांधीनगर कैंपस एमएससी न्यूरोसाइकोलॉजी गांधीनगर एम फार्मास्यूटिकल्स गांधीनगर एम साइबर सिक्योरिटी एक किसी का डाउट आया था कि मैम बी टेक टेक सिर्फ इंटीग्रेटेड होता है या एम अलग से भी होता है तो एम अलग से भी यहाँ पे होता है गांधीनगर कैंपस में एम साइबर सिक्योरिटी गांधीनगर एम फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड गांधीनगर एम हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर गांधीनगर एम मास कम्युनिकेशन फॉरेंसिक जर्नलिज्म गांधीनगर एम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस गोवा कैंपस में है एम बिजनेस एनालिटिक्स गांधीनगर एमएससी नैनो टेक्नोलॉजी जो कि फॉरेंसिक नैनो टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन होगा गांधीनगर फिर यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज भी दिए हैं पीजी डिप्लोमा इन क्राइम सीन फोटोग्राफी दिल्ली कैंपस पीजी डिप्लोमा इन साइबर साइकोलॉजी यहाँ पे है गांधीनगर फिर है फिंगरप्रिंट साइंस में ये तो भोपाल दिल्ली गांधीनगर गुवाहाटी और पुणे ठीक है इसके बाद में एम एस सी डिप्लोमा इन फॉरेंसिक डॉक्यूमेंटेशन में भी है डॉक्यूमेंट uh, एग्जामिनेशन भोपाल दिल्ली गांधीनगर गुवाहाटी मणिपुर ठीक है फिर इसके बाद में यहाँ पे ये यू पी एस आई एफ एस और पुणे यहाँ पे भी यू पी एस आई एफ एस एक्चुअली इनसे एफिलेटेड है फिर पी जी डिप्लोमा इन फॉरेंसिक जर्नलिज्म गांधीनगर ह्यूमेटेरियन फॉरेंसिक्स गांधीनगर सबकी फीस दो हज़ार ही है और ये नॉन रिफंडेबल फीस है फीस बहुत ज़्यादा रखी है इन्होंने ऑब्वियसली फॉर्म भरने की थोड़ी कम रखनी चाहिए

डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन डिप्लोमा सेमीकंडक्टर सिक्योरिटी एंड फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फिर यूजी के कोर्स की बात करें जो काफी सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं यहाँ पे यूजी का जो कोर्स है वो है आपका बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फोरेंसिक साइंस कोर्स पांच साल का कोर्स है दिल्ली धारवाड़ गांधीनगर गोवा फिर इसके बाद में यहाँ पे यूपीएसआईएफएस त्रिपुरा इतने कैंपस में आपके पास में अवेलेबल है तो आप अप्लाई कर सकते हो यूजी का ये एकमात्र कोर्स है फॉरेंसिक साइंस का इसके बाद में जो है वो है आपका बीएससी एलएलबी उसके ये गांधीनगर में सिर्फ है फिर बीटेक एमटेक जो पूछ रहे थे काफी बच्चे बीटेक एमटेक के बारे में जो है वो जानना चाहते हैं बीटेक एमटेक साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी मैथ्स वाला जो बच्चा है वही कर सकता है इंजीनियरिंग है बेसिकली साइबर सिक्योरिटी में तो और डेली में है धरवाड़ में है गांधीनगर और त्रिपुरा कैंपस में है एल एल बी ऑनर्स गांधीनगर कैंपस बी बी एल एल बी ऑनर्स फाइव ईयर डेली कैंपस बी बी एम बी ए डेली कैंपस गांधीनगर बी एम ए क्रिमिनोलॉजी गांधीनगर बी एस सी एम एस सी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस बी एम ए इंटीग्रेटेड कोर्स है ये बी एस सी एम एस सी क्रिमिनलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस अलग है ध्यान रखना भाई बी एस सी एम एस सी फॉरेंसिक साइंस अलग है बी एस सी एम एस सी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस अलग है ये वाला जो कोर्स है ना बी एस सी क्रिमिनोलॉजी इसमें क्रिमिनोलॉजी ज्यादा पढ़ाई जाएगी और बी एस सी एम एस सी फॉरेंसिक साइंसिक साइंस ही है ये क्रिमिनोलॉजी है समझ गए बात को ये दोनों अलग अलग कोर्सेस हैं अब आप जितने भी कोर्स के लिए अप्लाई नाउ करते हो तो वहां पे आपको जो है फॉर्म भरना पड़ेगा जैसे मैं यहाँ पे बी एस सी एम एस सी फॉरेंसिक इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए हम अप्लाई नाव करते हैं अब यहाँ पे देखो यहाँ क्या लिखा कैंडिडेट मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग हाउ टू फिल द फॉर्म इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑन एन एफ एवेंटी ट्वेंटी थ्री वेबसाइट दो हजार तेईस की बोल रहे हैं ये यह अभी यहाँ पे एक्चुअली में इन्होंने यहाँ पे अभी दो हजार चौबीस के लिए यहाँ पे ऐसा मैंशन नहीं करा है पता नहीं क्यों नहीं करा है अभी तक बट वो तो सर्कुलेट हो ही रहा है तो हम यहाँ पे अगर आई एग्री कर देते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो लेट्स सी यहाँ पे अभी तक देखो आप कोई ईयर वियर कुछ भी मेंशन नहीं आ रहा है अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो यहाँ लिखा है कैंडिडेट मे चेंज अब डेट देखना यहां पे अब डेट वहां पे अभी क्या लिखा था 2023 के हिसाब से देख लेना उन्होंने कहा पुराना ब्रोशर देख लो नया ब्रोशर नहीं दिया है इन्होंने अब यहाँ दिया है द कैंडिडेट मे चेंज द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर पेमेंट अप टू टेन फाइव टू मतलब की दस मे 2024 तक आप यहाँ पे अपना एग्जाम सेंटर बदल सकते हो यानी कि ये नए बच्चों के लिए ही फॉर्म है अब आपको यहाँ पे करना क्या है भरना है यहाँ पे अपना फॉर्म कैंपस प्रेफरेंस देना है गांधीनगर कैंपस प्रेफरेंस चूज कर लेते हैं हम यहाँ पे हम अपना जो है नाम डालेंगे मिडिल नेम डालोगे लास्ट नेम डालोगे ऑल्टरनेट ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ जेंडर सिलेक्ट करो ब्लड ग्रुप डालो आर यू डायबिटिक हो तो यस yes, नहीं हो तो नो जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट है क्या नेशनैलिटी क्या है इंडियन हो तो इंडिया डाल दो रिलीजन क्या है आपका हिंदू क्रिश्चियन सिख बुद्ध जैन जो भी है अदर जो भी है चूज कर लो इसके बाद में कैटेगरी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो सब कैटेगरी डाल दो मदर टंग आपकी क्या है कौन सी लैंग्वेज है वो डाल दो भाई हमारी हिंदी है हम हिंदी डाल देंगे आधार कार्ड नंबर डालो ठीक है जो यहाँ पे लिखा है अगर आप जो है स्पेशली हो या नहीं हो यहाँ पे डाल दो डिफेंस कोटा है या नहीं है वो सिलेक्ट कर लो आ, आपने पे हैव यू एनी कैटेगरी नो कोई कैटेगरी नहीं है गार्जियन की डिटेल मदर फादर या गार्जियन का नेम डालना है मोबाइल नंबर डालना है फादर ई मेल आई डी और ये यहाँ से सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है इसके बाद का फॉर्म आपको खुद ही भरना है जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है आप फिल करो अब यहाँ पे ये और प्रॉब्लम ये है कि आप एक एप्लीकेशन के लिए आप एक फॉर्म भरोगे अगर आपको और भी कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है तो आपको उसके लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा जैसे कि अब देखो जैसे कि मुझे और एमएससी के लिए अप्लाई करना है टॉक्सिकोलॉजी के लिए तो मैं फिर यहाँ से अप्लाई नाउ करूंगी ये फॉर्म मैं फिर से भरूंगी यहाँ पे देखो कुछ भी जो है इसमें मेंशन नहीं है कि लास्ट डेट वगैरह क्या है बोला आपको जो है पुराने ब्रोशर के अकॉर्डिंग रीड कर लेना फॉर्म कैसे भरना है ना एलिजिबिलिटी दी है यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए चेक करना है तो हम क्या करेंगे देखो मैं बताती हूँ ऐसा नहीं कि कहीं नहीं दिया हुआ है <coughs> यहाँ पे हम एडमिशन वाले उस पर आए यहाँ से आपको प्रोग्राम्स पे जाना है प्रोग्राम्स पे क्लिक क्लिक करने के बाद में ओपन हो रहा है ये वेट करो थोड़ा सा ये ओपन होगा तो इसमें क्या है सारे प्रोग्राम्स मेंशन है उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है देखो ये ओपन हो गया आपका प्रोग्राम डिटेल आप प्रोग्राम डिटेल में जैसे मुझे चाहिए क्या खोलते हैं हम बी एस सी एम एस सी ही खोलते हैं हम इंटीग्रेटेड कोर्स जो है वही खोलते हैं आप ऐसे सबको ओपन कर करके कर देख सकते हो ये रहा बी एस सी एम एस सी फॉरेंसिक साइंस प्रोग्राम डिटेल्स पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया ये हो गया ओपन प्रोग्राम का ओवरव्यू पढ़ लो कोर्सेज पढ़ लो इनटेक पढ़ लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हमने क्लिक करा तो यहाँ लिखा है और फिफ्टी फाइव परसेंट होना चाहिए एस सी एस टी और पीडब्लू डी कैटेगरी का एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस भी यहाँ पे दिया है भाई सब कुछ दिया है बस थोड़ा सा तरीका अलग है एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस इन्होंने दिया है सिलेबस ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट विल बी डिवाइडेड मिस्ट्री बायो एंड मैथमेटिक्स एंड टेन प्लस टू टेन प्लस टू मतलब बारहवीं तक का रहेगा और थर्टी परसेंट में आपका रीजनिंग जनरल नॉलेज और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है फिलहाल ये बिल्कुल पिछले साल की तरह सेम ही है इस साल अभी नहीं चेंज हुआ है थोड़े दिन और वेट करो अगर कोई चेंजेस आते हैं कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी अभी पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है इनटे क्या है चालीस सीट है ठीक है चालीस सीट दिए हुए हैं कोर्सेज यहाँ पे क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो भी यहाँ पे पूरा का पूरा मेंशन है आपका ठीक है सेमेस्टर वन से लेके छठेवें सेमेस्टर तक क्या पढ़ाया जाएगा सब कुछ मेंशन है समझ में आ गया कैसे क्या अप्लाई करना है क्या चीजें हैं आपको बस साइन इन करना हो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो एक जो पोस्टर दिख रहा है आपको वो भी मैं दिखा देती हूँ एडमिशन वाला रुको तो दे ये देखो ये जो है ये एक पोस्टर जो है कई जगह पे आ, सर्कुलेट हो रहा है और ये काफी टाइम से तो सर्कुलेट हो रहा है अब हमें नहीं पता कि ये पोस्टर सही है या गलत है बट जब मैंने यहाँ पे खुद रजिस्ट्रेशन करके देखा एक स्टूडेंट ने मुझे इन्फॉर्म करा कि मैम रजिस्ट्रेशन करने पे ओपन हो रहे हैं तो फिर मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके देखा और बिल्कुल सही बात थी कि ओपन हो रहे हैं बट यहाँ पे वेबसाइट में मे बी सम प्रॉब्लम है इस कारण से प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है ऑब्वियसली बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था कि वेबसाइट ओपन करते थे और इसी तरीके का पोस्टर पॉपअप होकर सामने आ जाता था बट इस साल नहीं आ रहा है तो ये इनको जो है चेंज करना चाहिए वहाँ पे कि भाई इजी हो जाए स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली बट अब हमें अगर मालूम चल गया तो आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो और अगर कुछ दिन वेट करना चाहते हो तो मैं तो ये भी बोलूंगी कि अभी कुछ दिन और वेट कर लो एकदम आते ही साथ अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए तो देखो यहाँ पे एडमिशन दिया हुआ है स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस में कौन कौन से कोर्सेज उन्होंने दिए हैं वो पूरे कोर्सेज दिए हुए हैं इसमें इसके बाद में यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी वाले कोर्सेज यहाँ पे दिए हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के यहाँ पे दिए हैं पुलिस साइंस के दिए हैं मेडिकल लीगल स्टडीज के हैं साइकोलॉजी uh, के हैं मैनेजमेंट के हैं सारे कोर्सेज मैंशन है और इसमें डेट में आपको बता दू इन नाइनटीन यानी आज की डेट लिखी थी कि आज से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट अप्लाई करने की यहाँ पे क्या दी है देखो और यहाँ पे तो इन्होंने लिखा टेंथ ऑफ फेब्रवरी बट टेंथ से तो बिल्कुल भी नहीं हुए और यहाँ पे लास्ट डेट दी है अप्लाई करने की टेंथ ऑफ मे ठीक है टेंथ मे बोला है रजिस्टर करने की लास्ट डेट यहाँ पे ये है तो अभी हम इसी के अकॉर्डिंग मान के चलते हैं दस मे यानी फेब्रवरी मार्च अप्रैल बहुत समय यार, बहुत समय है थोड़ा रुक जाओ अभी एकदम से हड़बड़ा के फॉर्म भरने की बिल्कुल जरूरत नहीं मैंने अपडेट दे दिया है कि भाई ऐसा ऐसा है तो यूनिवर्सिटी भी वेट कर रही होगी कि हम अपनी वेबसाइट पे एडमिशन ब्रॉशरी भी डालेंगे नया सिलेबस भी डालेंगे नया सब कुछ नया डालते हैं वो ऐसा नहीं है इस साल वो अभी थोड़ा सा वेट कर रहे होंगे तो अभी उन्होंने नहीं डाला है बट एडमिशंस की उन्होंने निकाल दिए स्टार्ट कर दिए है और दस मई जो है वो लास्ट डेट बताई जा रही है ऑफिशियल वेबसाइट पर कहीं पे भी डेट वगैरह मेंशन नहीं है मैं क्लियर बता रही हूँ नहीं तो कोई आके कॉमेंट में बोलने लगे गलत बताया गलत गलत नहीं बताया है जो भी मुझे दिख रहा है जो चीजें पॉसिबल है

आराम से रुक जाओ मैंने इन्फॉर्मेशन परेशान नहीं हो जो परेशान हो रहे हैं तो हम करेंगे अगले महीने अप्लाई दैट क्लियर जब सारी डिटेल्स आ जाएंगे हम तभी अप्लाई करेंगे समझ में आ गया जो भी अब बाकी के फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड एन की जितने भी प्रिपरेशन हो सकेगी बी एस सी इंटीग्रेटेड कोर्स की हो चाहे वो एमएससी फॉरेंटिक साइंस की हो वो मैं यहाँ पे सिलेबस आ जाने तो नया सिलेबस उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कराऊंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना साथ ही में अगर आप मुझे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो तो नीचे रजिस्ट्रेशन की लिंक दी हुई है आप वहाँ पर रजिस्टर करके मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर एवरीवन बाय बाय